सुनाया हुआ SSC चाहिए 2008 में, करंट की वैल्यू दे रखी है ठीक है, और ये बोल रहा है ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पास हुआ है ना, और जो मूविंग मतलब अमीटर के थ्रू पास हुआ जो कि मूविंग आयरन टाइप है ना, तो इसकी रीडिंग क्या होगी करंट की, कितना करंट रीड करेगा, मतलब अगर ये वाला जो करंट दे रखा है जो वैल्यू दे रखी है करंट की ठीक है, इसमें AC भी, इसमें AC कंपोनेंट भी और DC कंपोनेंट भी, अगर ये मूविंग आयरन टाइप अमीटर से पास हुआ तो मूविंग आयरन टाइप अमीटर कितना रीड करेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। द इंस्ट्रूमेंट इन विच मूविंग आयरन इज़ यूज फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ करंट और वोल्टेज इज नोन एज मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ठीक है, मतलब वो वाला इंस्ट्रूमेंट जिसमें मूविंग आयरन यूज़ होता है किसके, करंट और वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए, उनको बोलते हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट ठीक है। अब इसका जो प्रिंसिपल है क्या है, आयरन प्लेस नियर अ मैग्नेट अट्रैक्ट टुवर्ड इट, जैसे कि अपन किसी भी आयरन को अगर मैग्नेट के पास रखेंगे तो उसकी तरफ क्या अट्रैक्ट होगा, ये सब तो वैसे ही कुछ इतने काम की नहीं है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपको पता ही होगा जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड पे, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, दो टाइप के होते हैं अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप। यहाँ से अपनी काम की बात आती है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड हैंस यूज फॉर बोथ AC एंड DC, ये काफ़ी बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन का भी लॉजिक यही है पूछने का कि अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ठीक है वो AC और DC दोनों रीड करता है। देखो आपको क्वेश्चन में भी दोनों चीज़ें दी हुई है, जो करंट की वैल्यू है इसमें DC कंपोनेंट भी है 10 और AC कंपोनेंट भी, तो ये अपन को इस दोनों की रीडिंग लेनी पड़ेगी ठीक है। और देखते हैं, देखिए थ्योरी में और आंसर निकलेगा इसका। सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि बोथ AC और DC के को मेज़र करने के काम में आता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ठीक है। दूसरा जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होती है, जो पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट के है ना, तो इस वजह से ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ना हमेशा RMS वैल्यू रीड करता है ठीक है, मेज़र हमेशा कौन सी वैल्यू करता है RMS वैल्यू, इसीलिए जो अपन को ये जो ये इक्वेशन दी रही है ना अपन को इसकी निकालनी है RMS वैल्यू ठीक है। तो अपन ने दो बात सीखी, एक तो ये AC और DC दोनों रीड कर सकता है और दूसरी है हमेशा RMS वैल्यू रीड करता है, और तीसरी बात अपन ने ये देखी जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होती है ना, जो पॉइंटर के जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होती है वो स्क्वायर ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल होती है, जो कॉइल से जो करंट पास होगा ना उसके प्रोपोर्शनल होती है। तो एक बात और याद रखना, जो इसकी स्केल होती है ना वो नॉन लीनियर होती है, आप खुद ही देख रहे हो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है, तो नॉन लीनियरिटी होगी। और दूसरी बात ये भी है कि क्राउडेड होती है इन द बिगनिंग है ना, बिगनिंग में ज़्यादा क्राउडेड होती है, उसके बाद थोड़ी सेपरेट होती है ठीक है। तो ये तीन चार बातें याद रखना। अब अपन को पता पड़ गया कि भाई ये RMS वैल्यू रीड करता है, तो RMS वैल्यू कैसे निकालनी है, अब ये देखो ये दे रखा I इक्वल्स टू 10 + 10 sin ωt ठीक है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, मैं वापस बता देता हूँ, जैसे AC की जो DC की जो RMS वैल्यू ना वो वही होती है जो वैल्यू दी हुई है, जैसे 10 है तो इसकी RMS वैल्यू भी कितनी होती है 10। अब आपको RMS वैल्यू पता ही होगी, वो इफेक्टिव वैल्यू विच रीड सेम एज रीड बाय द DC करंट है ना, इक्विवेलेंट DC करंट, मतलब अगर 6 वोल्ट का अगर आपने 6 वोल्ट AC का जो बल्ब लिया वो उतना ग्लो करेगा जो एक 6 वोल्ट DC का बल्ब ग्लो करेगा ठीक है। तो अब ये देखो ये 10 sin ωt ठीक है। अब इसके RMS के लिए वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये होता है इसकी इक्वेशन देखो I इक्वल्स टू Im sin ωt, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो जो RMS वैल्यू होती है वो तो मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2, ये जो 10 sin ωt है इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10, तो इसके RMS क्या होगी, वैल्यू क्या होगी 10/√2 ठीक है। अब देखो ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, फेजर क्वांटिटी है ना, अपन ने RMS वैल्यू तो कैलकुलेट करके रख ली, इससे 10 आएगी और इससे 10/√2, आपने देखा होगा जो फेजर क्वांटिटी है ये इसमें ना sin ωt है ना, तो आपने देखा होगा जैसे कि R = A sin θ + B cos θ, आपने वेक्टर में लिखा हुआ होता है या फेजर में लिखा हुआ होता है, तब अपन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, R = √A² + B² या फिर अपने पास R = AI + BJ, आई कैप और जे कैप के अलग होता है तब भी अपन ऐसे निकालते हैं √A² + B² वैसे यहाँ पे भी ये फेजर क्वांटिटी है, तो जो RMS वैल्यू निकलेगी इसकी इफेक्टिव ठीक है निकलेगी √ इसकी RMS वैल्यू का स्क्वायर प्लस इसकी RMS वैल्यू का स्क्वायर ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे 10 का स्क्वायर 100 और इस 10 का 10/√2 का स्क्वायर 100/2 LCM लोगे और 200 + 2 मतलब 300/2 विच इज़ √150 है। देखो इसका आंसर √150, तो यहाँ से अपन को इतनी सारी नॉलेज मिलती है इसके बारे में, इसलिए ये सारी चीज़ें लिखी गई। थैंक यू।